अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। मेरा नाम गौरव है और ये बात उस रात की है जिस रात मैं अपने एक फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर जा रहा था। बहुत दिनों से मैं सिर्फ उससे बस फेसबुक पर ही चैटिंग करता था और बहुत अरसे के बाद उस रात उस लड़की ने मुझे मिलने के लिए अपने घर बुलाया था। उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था और फाइनली फेसबुक की मुलाकात हकीकत बनने वाली थी। उस वक्त मैं रास्ते में था और मैं बस यही सोच रहा था कि अब मैं उससे फेस टू फेस बात कैसे करूं, क्योंकि उससे पहले मैंने उससे बस फेसबुक पर ही बातें की थी। अभी मैं कुछ और सोच पाता तभी मैं उस एड्रेस पर पहुंच गया जहां पर परी का घर था। हाँ, उस फेसबुक वाली लड़की का नाम परी था। मैं गाड़ी से उतर गया, उसके बाद मैं उसके घर की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद मैंने देखा तो उसके घर का दरवाज़ा खुला था। वो देखकर मैं समझ गया था कि शायद उसे पता चल गया हो कि मैं आ गया हूँ और वो शायद मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उसने वो दरवाज़ा खुला रखा होगा। उसके बाद मैं घर के अंदर चला गया लेकिन उसके घर के लिविंग रूम में कोई भी नहीं था। उसके बाद मुझे एक रूम से कुछ आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा कि शायद उसी कमरे में वो लड़की होगी, इसलिए मैं उस कमरे में चला गया। और जब मैं अंदर चला गया तब मुझे जो दिखा वो बिल्कुल भी खतरनाक था। वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि उस रूम में बहुत से लोगों की लाशें थी। मुझे पता नहीं था कि वो लोग कौन थे, बट ये सब कपा देने वाला था। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है, इसलिए मैंने उस घर से भाग जाना ही सही समझा और मैं वापस उस घर के बाहर जाने लगा। लेकिन तभी वहाँ पर मेरे सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी आ गया और वो भारी आवाज़ में मुझसे बात करने लगा। कहाँ जा रहे हो? तुम तो मुझसे चैटिंग कर रहे थे ना? मैं ही हूँ तुम्हारी परी, तुम्हें मुझसे मिलना था ना, अब मिल लो। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं पूरी तरह से अंदर से हिल गया था और मुझे खुद से नफरत हो रही थी क्योंकि मैंने फेसबुक पर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट और अंदर की भी बातें की थी। लेकिन उतना ही गुस्सा मुझे उस आदमी पर आ रहा था, इसलिए मैंने उसको धक्का दे दिया और मैं उस घर के बाहर से भाग गया। और उसके कुछ ही देर बाद मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया। घर जाने के बाद मुझे खुद पर बहुत ही ज़्यादा नफरत हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि मैंने आज तक जिससे चैट की थी वो एक लड़की नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी था। अब इस बात को 2 साल बीत चुके हैं लेकिन उस हादसे के बाद मैंने फेसबुक चलाना कम कर दिया। और आप भी ऐसे फेक आईडी से सतर्क रहिए।